जो गाइडलाइंस जारी किए थे उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी राज्य सरकार अगर किसी भी लोकल लेवल पे, छोटे लेवल पे भी अगर कहीं कोई लॉकडाउन लगाना चाहती है तो उसे केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है कि अगर कहीं पे, अब दिवाली खत्म हो गई है, हम उम्मीद करते हैं कि बाजारों के अंदर जो इतनी ज़्यादा भीड़ थी वो भीड़ कम हो जाएगी और हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाजार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाजार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए, ऐसा प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। इसके लिए भी मैंने एलजी साहब की परमिशन के लिए अभी लिख दिया है। हम सब लोग आप देख रहे हैं कि किस तरह से सारी सरकारें मिलके कोरोना की स्थिति को काबू करने की कोशिश कर रही हैं। केंद्र सरकार का मैं खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में केंद्र सरकार ने दिल्ली वालों की मदद की है और सबसे बड़ी मदद है कि जो उन्होंने 750 ICU बेड्स और जल्द से जल्द बढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया है, इससे सबसे ज़्यादा हमें लाभ होगा। क्योंकि इस वक्त बाकी सारी, मैं एसेस कर रहा था, बाकी सारी बेड्स अभी हैं, सफिशेंट हैं। कुछ अस्पतालों में जो सबसे बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं उन अस्पतालों को छोड़ दें तो अन्य कई सारे सरकारी अस्पतालों में भी हैं और कई सारे प्राइवेट अस्पतालों में भी बेड्स की स्थिति ठीक ठाक है। लेकिन ICU बेड्स कम होते जा रहे थे, ICU दर कम होती जा रही थी और मैं इसके लिए केंद्र सरकार ने आगे बढ़ के हमें, मैंने एक हफ्ते पहले चिट्ठी भी लिखी थी केंद्र सरकार को कि हमें तुरंत ICU बेड चाहिए और केंद्र सरकार ने इसको सकारात्मक तौर पे हमारे को वो किया। इसके लिए मैं पर्टिकुलरली शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वक्त सारी सरकारें, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, सारी एजेंसीज, DRDO, ICMR, सब एम्स वगैरह सब लोग मिलके पूरी कोशिश कर रहे हैं, डबल एफर्ट्स कर रहे हैं अपने कोरोना की स्थिति को काबू पाने के लिए। लेकिन ये तब तक नहीं ठीक हो सकती जब तक हम सब लोग, आप जब तक एहतियात नहीं बरतेंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप ये कोई किसी और के लिए नहीं मांग रहे, आप ही के लिए, आप ही के स्वास्थ्य के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके परिवार के लिए आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क ज़रूर 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 पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर ज़रूर कीजिए। कई लोगों को लगता है मुझे तो नहीं होगा, पड़ोसी को हुआ मुझे नहीं होगा, ये किसी को नहीं देखता कोरोना, ना गरीब को देखता, ना अमीर को देखता, ना इसको देखता, ना उसको देखता, किसी को भी कभी भी हो सकता है और अगर बिगड़ जाए तो खतरनाक हो सकता है। तो फिर से मैं हाथ जोड़ के सबसे अपील करता हूँ कि आप